अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए पालक चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। पालक चिकन की रेसिपी बनाने के लिए 1 किलो चिकन और ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें से ये देखें 2 दालचीनी की मैंने स्टिक्स ली हैं, 4 से 5 मैंने हरी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची काली और 4 से 5 लौंग और 4 से 5 काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और 3 मैंने प्याज ली हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, हसबे ज़रूरत नमक, 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 कप ऑयल और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च। पालक मैंने ये देखें, पालक के मैंने पत्ते साफ़ कर लिए हुए हैं और डंडियाँ मैंने नहीं ली हुई। अब मैं इसको कटिंग करूँगी, ये देखें इस तरह इसको आपने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। इसी तरह तमाम पालक की मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें मैंने तमाम पालक की कटिंग कर ली है और इसको ये देखें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। सबसे पहले प्रेशर के अंदर मैं 1 कप ऑयल डालूँगी, और जो कि मैंने 3 प्याज बारीक बारीक काटे थे अब मैं डाल लूँगी इसको ऑयल में। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है इसमें मैंने डाल लिया है और इसको लाइट ब्राउन फ्राई कर लूँगी। जैसे ये देखिए प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हुआ है अब मैं इसके अंदर तमाम चिकन डाल रही हूँ। इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और मैं इसके अंदर हसबे ज़रूरत नमक डाल लूंगी और 1 टीस्पून हल्दी डाल लूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लूंगी। बाद मैं इसके अंदर लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ और इसको भी फिर मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी, ताकि हमारा लहसुन की पेस्ट इसमें फ्राई हो जाए अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले जो कि मैंने साबुत गरम मसाले लिए थे वो डाल रही हूँ और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और कुक करूँगी। मसालों की खुशबू इसमें अच्छी तरह से आ गई है। अब मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून डाल दूंगी और 2 मैं टमाटर जो कि मैंने फ्रीज किए हुए थे इनके छिलके उतार के वो डाल लूंगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हुए हैं। एक से दो मिनट के बाद जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं अब मैं इसके अंदर पालक डाल दूंगी। और इसको हल्का हल्का मैं अब मिक्स करूंगी। जो कि पालक में पानी होता है ये खुद पानी छोड़ देती है, इसीलिए इसमें पानी अभी नहीं डालूंगी। ये देखिएगा इसको हल्की आंच पे जैसे जैसे मैं मिक्स करूंगी
पालक में से पानी निकलता जाएगा और ये कम से कम होती जाएगी। देखिएगा, ये देखिए पालक में से पानी, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये पालक ने ही पानी छोड़ा है। ये देखिए इसके अंदर मजीद एक गिलास पानी और डाल लूंगी और कसूरी मेथी डाल लूंगी और हरी मिर्चे भी डाल लूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी एक बार। और मिक्स करने के बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। ये देखिए 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद पालक का कलर भी चेंज हो गया है और हमारी पालक भी गल गई है। ये देखिए, अब मैं इसको मजीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी ताकि इसका पानी जो थोड़ा बहुत है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल नजर आने लग जाए। ये बहुत मजे की तैयार होती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सर्दियों में तो वैसे भी पालक बहुत अच्छी लगती है, आप इसको तो गोश्त में भी पका सकते हैं और आलू में भी पका सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।